स्वागत है दोस्तों आपको हमारी जो फिल्म है और हम क्लास 7th के साइंस चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पार्ट्स। तो न्यूट्रिशन इन पार्ट्स आपका सर साइंस में इस किस ब्रांच में आता है? तो साइंस में तीन ब्रांच होती हैं आपकी, आपकी एक बायोलॉजी होती है, एक केमिस्ट्री होती है, एक फिजिक्स होता है। तो सर कहो सर ये क्या है, बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स है? तो आप कहेंगे बायो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से अंतर्गत प्लांट्स या फिर ऐसे कोई भी एनिमल्स या ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स जिसके बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या होगा, हमारी जूलॉजी मतलब बायोलॉजी के अंदर आएगा। बायोलॉजी के अंदर आपके चाहे बायोलॉजी मतलब बायोस जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता हो, इसमें प्लांट्स भी आएंगे, इसे हम बॉटनी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने जितने हमारे केमिकल्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं या जो भी कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद फिजिक्स मतलब यूनिवर्स, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स के अंतर्गत यूनिवर्स में जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल्स कि किसी पेड़ पे से कोई मैंगो है वो नीचे गिरते हैं, तो ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे आया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ देखेंगे हम चढ़ान पर चढ़ते समय जो कि है फोर्स लगाते हैं दोस्तों, तो ये फिजिक्स में देखेंगे। लेकिन हम इसमें देखते हैं न्यूट्रिशन इन पार्ट्स, यानी न्यूट्रिशन इन पार्ट्स हम मतलब जो कि ये आपका जूलॉजी पढ़ रहे हैं, और जूलॉजी के अंदर दो पार्ट्स में एक बायोलॉजी एंड एक बॉटनी, ये चीज़ देखेंगे। तो सर प्रथम देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन पार्ट्स क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रिशन इन पार्ट्स। तो न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण किसी को देना, पोषण मतलब कि जैसे न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि क्लास 7th है और चैप्टर साइंस आपका रहेगा और चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन पार्ट्स। न्यूट्रिशन इन पार्ट्स में आपका पहला जो कि यही रहेगा न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो आप कहेंगे कि न्यूट्रिशन इज, ये लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो जिस प्रोसेस से हम फूड को टेक करते हैं, टेक मतलब लेते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। लिखा है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स, और भी मतलब जीवों में, यानी जो आपके एनिमल्स होते हैं या हम होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स हैं वो जिस प्रोसेस से भोजन को क्या करते हैं, टेक करते हैं, टेक मतलब इनके माउथ में लेते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। टेकिंग फूड एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन के मीन्स होता है उपयोग, यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, उपयोग या फिर प्रयोग बोलते हैं इसको, तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिस फूड बाई द ऑर्गेनिज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, मतलब अच्छी तरह से भोजन को क्या करना, यूज करना, उपयोग करना, ये हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, आप कहेंगे हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाएगा दोस्तों, न्यूट्रिशन मतलब भोजन को अच्छी तरह से ग्रहण करना, यानी अच्छे से उसको लेना, टेक मतलब होता है लेना, यूटिलाइजेशन का मतलब यूटिलाइजेशन मतलब होता है प्रयोग करना, उपयोग करना, मतलब अच्छी तरह से भोजन का उपयोग करना या लेना, ये हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। और यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग, मैंने बताया अभी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्तों, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आप कहेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, व्हाट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो आप कहेंगे द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिस मेथड से हम भोजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं यानी लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है टू टाइप्स का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? तो टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट कौन सा होगा आपकी ऑटोट्रॉफ्स, जिसे हम ऑटोट्रॉफिक के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड आपका है हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स मतलब हेटरोट्रॉफिक्स, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल्स ऑटोट्रॉफ्स मीन्स होता है जो भोजन को इटसेल्फ मतलब स्वयं से बनाता हो। फॉर एग्जाम्पल्स आपका प्लांट्स क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं दोस्तों, अपना भोजन बनाते हैं। अब अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल। और सनलाइट की प्रेजेंट में ये क्या बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में अपना ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप फॉर्म में ये अपना फूड कंप्लीट करते हैं। सेकेंड होता है हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, जो दूसरों पर निर्भर हो, जैसे मीन्स हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग क्या हो गए, हेटरोट्रॉफ्स हो गए या हेटरोट्रॉफिक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से हम एक बार देखते हैं दोस्तों आगे, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाई एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड द ऑर्गेनिज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से भोजन को लेना ही हमारा क्या कहता है, पोषण कहलाता है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि जिस मेथड से हम फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो हमारा क्या कहता है,
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो दो टाइप्स का होता है, यानी टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है आपका ऑटोट्रॉपिक्स या ऑटोट्रॉप्स, एंड सेकेंड होता है आपका हेटरोट्रॉपिक्स या हेटरोट्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा न्यूट्रिशन इम्प्लांट्स में, मैंने दो टॉपिक्स क्लियर करा दिया, न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, किस प्रोसेस से ये करते हैं, और उसके आगे देखेंगे हम लोग हेटरोट्रॉप्स, और उसके आगे इस चैप्टर्स को आसानी से खत्म करेंगे, और ख़त्म करने में विस्तार से पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।